केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के बरखेड़ी स्थित श्री कृष्ण मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान कृष्ण राधा की पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। हर साल की तरह इस साल भी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बरखेड़ी स्थित श्री कृष्ण मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर भगवान श्री कृष्ण से प्रदेश के लिए अमन और चैन की कामना की। केंद्रीय मंत्री शिवराज ने भगवान श्री कृष्ण को सिर पर उठाकर हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की के जयकारे लगाते हुए चले। इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भगवान ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी, पाप अत्याचार बढ़ेगा, तब मैं अवतार लूंगा। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने कहा था कि अन्याय सहना भी पाप है। कोलकाता की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि कोलकाता में जो बेटी के साथ अन्याय हुआ है, उसके लिए हम सभी को आवाज उठानी पड़ेगी। यह केवल सरकार का काम नहीं है। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप अत्याचार अनाचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के नाश के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए मैं बार बार आऊंगा। और हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद सदैव हम सब पर बना रहे। आज इस आयोजन के लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। साथ में हम भी ये सोचें कि जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अन्याय सहना भी पाप है, और इसलिए अगर कहीं अन्याय होता, जैसे कोलकाता में बेटी के साथ जो कुछ हुआ, तो हम सबके हृदय को व्यथित कर गया। उसके खिलाफ सरकार तो कार्रवाई करेगी, लेकिन समाज से भी आवाज उठनी चाहिए। अन्याय के खिलाफ सदैव हम आवाज उठाएं। वहीं अहिर समाज के अध्यक्ष संतोष यादव ने बताया कि श्री कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारी एक महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। इस साल भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र, तुलसी पत्र, तुलसी के मोती, चंदन के मोती लगाकर तैयार किए गए हैं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की सुंदर झांकी सजाई गई है। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की जयकारे लगाते हुए भगवान श्री कृष्ण की पालकी निकाली गई। भगवान ये सौभाग्य प्राप्त करते हैं कि अनेक अनेक प्रकार की पोशाक बनाने का सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप में बड़ा ही खुशनसीब महसूस करता हूँ। इस पोशाक में मैंने तुलसी के मोती, चंदन के मोती, मोर के पंख, सीप के शंख और तुलसी की पत्ती का प्रयोग किया गया है। इस पोशाक को बनाने में मेरे को एक महीने का समय लगा है। ये पोशाक मैंने माननीय मेरे बाबा जी की स्मृति, श्री ओम यादव की स्मृति में बनाई गई है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।